नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज बात आरक्षण की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि नौकरियों में आरक्षण पाना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि नौकरियों और प्रमोशन में आरक्षण देना या नहीं देना पूरी तरह राज्य सरकारों की मर्जी पर है। अदालत इस बारे में कोई आदेश देकर उन्हें आरक्षण या प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध हो रहा है। विपक्षी नहीं, सत्ताधारी एनडीए में शामिल कई पार्टियों ने भी इस फैसले पर नाखुशी जाहिर की है। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पक्ष और विपक्ष में दी जा रही दलीलों की चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, दलित चिंतक प्रोफेसर रतन लाल, दलित चिंतक प्रोफेसर डॉक्टर कौशल पवार और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसने क्या कहा। 2012 में उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमारी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है। इस विषय पर उच्च स्तरीय विचार के बाद भारत सरकार समुचित कदम उठाएगी। आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी है वो रिजर्वेशन के खिलाफ है और वो किसी ना किसी तरह रिजर्वेशन को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से निकालना चाहते हैं। एससी एसटी ओबीसी के संविधान प्रदत्त आरक्षण के खिलाफ दिया गया ये कोर्ट का आज तक का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और वंचित वर्गों के अधिकारों पर इससे भयानक कुठाराघात और कोई भी नहीं हो सकता है। डॉक्टर वैदिक, आपसे शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश कि नौकरियों में या पदोन्नति में आरक्षण देना या न देना एक सरकारी नीति है, पब्लिक पॉलिसी है और इसका किसी मौलिक अधिकार से कोई लेना देना नहीं है, ये कितना महत्वपूर्ण फैसला है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है लेकिन मुझे लगता है इसका असर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकारों के हाथ में ये तय करना कि आरक्षण देना कि नहीं देना। और सरकारें चलती हैं वोट से, थोक में वोट अगर चाहिए तो कोई नेता आरक्षण का विरोध नहीं कर सकता है, सब आरक्षण का समर्थन करेंगे। लेकिन कोर्ट ने जो कहा है वो मुझे काफ़ी तर्कपूर्ण लगता है, क्योंकि वो एक इनेबलिंग क्लॉज है। धारा 16 का जो चौथा अनुच्छेद है वो ये कहता है कि सरकार पहले जांच करे कि क्या लोगों के साथ अन्याय हुआ है, क्या लोगों को समुचित मात्रा में आरक्षण नहीं मिला है, और अगर वो महसूस करते हैं कि पदोन्नति में और नियुक्तियों में आरक्षण नहीं मिला है तो आरक्षण दे दिया जाए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई सरकार, जैसे कि उत्तराखंड की सरकार ने किया था कि सारे पद भर दिए, कोई भी सरकार इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेगी। लेकिन कुल मिला के मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि नौकरियों में आरक्षण देने से कुछ हमारे जो पिछड़े हुए तबके हैं, गरीब तबके हैं, जिन तबकों के साथ हजारों साल से अन्याय हो रहा है, उनका कोई खास भला होने वाला नहीं है। मुट्ठी भर लोगों को कुछ फ़ायदा होता है और हमारे करोड़ों लोग वैसे ही अन्याय के शिकार होते रहते हैं जैसे कि हो रहे हैं। अवधेश जी, आपने सुना डॉक्टर वैदिक ने क्या कहा, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश जी संविधान की धारा 16 अनुच्छेद 4 का केवल तकनीकी विश्लेषण है कि ये एनेबलिंग क्लॉज है, कि आपको लगता है कि इससे अब पूरे देश में एक आरक्षण पर दोबारा से व्यापक बहस छिड़ जाएगी? भारत जी, ये सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला नहीं है। जैसा आप जानते हैं 2006 में नागराज का फैसला भी प्रोन्नति को लेकर ही था और 2006 में भी सुप्रीम कोर्ट ने लगभग यही बात की थी। उसके बाद पिछले साल भी 2018 में 28 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था प्रोन्नति को लेकर के, क्योंकि कई राज्य उच्च न्यायालयों ने अलग अलग फैसले दे दिए थे। मोटा मोटी बात उसमें भी यही थी कि राज्यों को हम बाध्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का निषेध नहीं किया है, जो मूल बात इसमें है जी। और 16-4 16-4 A की भी इस फैसले में व्याख्या अपने अनुसार की है उसने कि इसमें प्रावधान जरूर है लेकिन यह फैसला राज्य सरकारों का हो सकता है जी। अब जैसा आप जानते हैं कि 1992 में इंदिरा साहनी मामले में जब
सुप्रीम कोर्ट ने प्रोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया तो नरसिंहा राव की सरकार ने 95 में बजाबता 16-4 में ये जोड़ा था, उसी समय वो जोड़ा था। तब से लेके ये विवाद चल रहा है और अभी तक इसका संवैधानिक निपटारा नहीं हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट का तीसरा फैसला हो गया पिछले 14 सालों में जी। लेकिन अभी भी इसको लेके देश में एकता नहीं है, तो इस पर बहस तो होगी जी। लेकिन हमारे राजनेताओं में जिस ढंग से राजनीति को लेके जातिगत प्रतिस्पर्धा है और लोकप्रियतावाद है जी, उसमें ये माना जा सकता है कि सरकार शायद तुरंत अध्यादेश लेके आएगी और प्रोन्नति में आरक्षण जारी रहेगा जी। डॉक्टर कौशल पवार, सरकार क्या करती है तो देखने वाली बात है, लेकिन धारा 16(1) कहती है कि सरकारी नौकरी में सभी नागरिकों को समानता दी जाएगी, इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट। लेकिन क्या धारा 16(4) की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि जो कुछ धारा 16(1) में मर्यादित है, इक्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसमें सामाजिक और आधारभूत विषमताओं को अगर शामिल नहीं करेंगे तो इक्वालिटी रहेगी नहीं जी। सबसे पहले तो मैं अवधेश जी की बात को इंडोर्स करती हूँ। इन्होंने अभी फैसला शब्द प्रयोग किया अपनी बातचीत में, बिल्कुल सही है कि कोर्ट पिछले कई सालों से, लगभग जब से ये तीन तरह के जो फैसले आए हैं, वो फैसले आ रहे हैं, न्याय नहीं कर पा रही सरकार, सुप्रीम कोर्ट। ये सबसे बड़ा कुठाराघात है रिजर्वेशन के ऊपर। और हम लोग दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC हमेशा न्यायपालिका का बहुत आदर करते हैं और अब भी करते हैं। लेकिन न्याय जिस तरीके से, ये अन्याय की तरह एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को देखा जाना चाहिए। हमें बिल्कुल याद होना चाहिए कि भारत में जब संविधान सभा की बहस, जो आप ऑनलाइन भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, राष्ट्र निर्माण में भारत की सबसे बड़ी जो 85% संख्या है, वो राष्ट्र निर्माण में भागीदारी उसकी जो रहेगी, वो वंचित वर्ग, वो 85% जिसको उचित प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए, जो आज तक भी आरक्षण के बावजूद भी कहीं ना कहीं बेईमानी की तरफ हमारा ले जा रहा है। तो ये जो एक तरह का राज्य की तरफ छोड़ देना, एक तरह से डुगडुगी आरक्षण को बनाकर छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मैं माफ़ी मांगते हुए ये कहती हूँ, जबकि हम आदर करते हैं न्यायपालिका का, लेकिन राज्य को छोड़ देना ये एक तरह से उस संविधान की जो मूल भावना है, आपने ही कहा, आर्टिकल में लिखा हुआ है जो साफ साफ, समानता का जो अधिकार है, जो 16(a)(4) भी कह रहा है, 14(a) और 14(4) दोनों कह रहे हैं, उसका भी उल्लंघन है। पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट आजकल ऐसे फैसले दे रही है जो 85% संख्या के ऊपर सवाल खड़ा करती है। हमारे बहुत बुजुर्ग और आदरणीय सर ने कहा, जब बात की शुरुआत की, ये अगर आज़ाद भारत से देखा जाए, जो एक वर्ग पैदा हुआ है जिसको आम लोगों की भाषा में मध्यम वर्ग कहा जाता है, वो मध्यम वर्ग अगर बना है तो वो आरक्षण की बदौलत ही बना है। अगर नौकरियों में आरक्षण ना होता, शिक्षा व्यवस्था में आरक्षण ना होता, तो दलितों के ये वर्ग जो आज नौकरियों में आपको दिखाई दे रहे हैं, जीवन के हर क्षेत्र में हैं, संवैधानिक संस्थाओं के अंदर हैं, यहाँ तक कि दलित समाज अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर विदेश तक भेजने के काबिल हुआ है, वो सिर्फ आरक्षण की बदौलत हुआ है, जो भारत को राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका के रूप में एक कारक की तरह से देखा गया था। पूरे संविधान सभा की बैठकें उसमें हैं, उसमें ऑनलाइन उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका का ये निर्णय बिल्कुल छोड़ देना मनमानी तरीके से, कि राज्य सरकार निर्धारित करेंगी बिना आंकड़ा लिए, सबसे विडंबना ये है कि पता नहीं कोर्ट किस आधार का, उन्होंने आंकड़े के साथ कहा नहीं, लेकिन आंकड़ा कहाँ है आंकड़ा सर? आप इसको पब्लिश कर दीजिए, हमें भी संतुष्टि हो जाएगी कि हमारे दलित समाज का कितना वर्ग करीम बन चुका है। आंकड़ों पे आता हूं जी प्रोफेसर रतनलाल, सवाल ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से डुगडुगी बना दिया इसको, नहीं, उन्होंने 16(4) धारा 16 सबसेक्शन 4 का इंटरप्रिटेशन चेंज कर दिया है। इससे पहले भी एनएम थॉमस केस में इस पे जजमेंट आई थी। 16(1) क्या करता है? समानता देता है, लेकिन उस समानता को, इक्वालिटी को आप कैसे सब्सटेंटिव इक्वालिटी बनाएं, उसको कैसे आप सार्थक बनाएं, मूलभूत समानता और समानता में फ़र्क है ना, हम सब बराबर हैं, लेकिन कोई किसी वर्ग से आता है, कोई किसी डिसएडवांटेज के साथ आता है, तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी के इंटरप्रिटेशन का फैसला था 16(4) का, अब तक सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसलों को डाइल्यूट नहीं किया, अपने इंटरप्रिटेशन को, इस हिसाब से क्या ये एक प्रतिगामी रिग्रेसिव फैसला नहीं है? डेफिनेटली है, और ये संयोग नहीं, असली प्रयोग यही है। देखिए, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कोई भी संस्था हो, वो राजसत्ता
का जो चरित्र होता है उसके बाहर काम नहीं करती, ये हमने देखा है पिछले कई वर्षों में। राज्य में जिस तरह राजसत्ता रहेगा न्यायपालिका भी उसी तरह से बात करती है, और मैं सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ता हूँ और लड़ा हूँ, इसलिए मुझे जुडिशरी कैसे काम करती है वो मुझे पता है। अगर सम्मान करने लायक फैसला होगा तो ज़रूर सम्मान किया जाएगा, अगर आलोचना करने लायक फैसला होगा तो आलोचना और जम के आलोचना करेंगे। देखिए टेक्निकल बात पे आइए, उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट नहीं है, ये बात टेक्निकली सही है बिल्कुल, लेकिन आप डायरेक्टिक प्रिंसिपल के जो पूरा पॉलिसीज है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसको ध्यान में रखे बगैर इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल इम्प्रेशन देखा जाता है, और लोकशाही जो है ना अंडरस्टैंडिंग से भी चलता है कि ओवरऑल इम्प्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मैंडेट है, सोशल जस्टिस, लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। तो सुप्रीम कोर्ट को अब सीधा सीधा कह देना चाहिए था ना कि अब लोक कल्याणकारी राज्य नहीं होगा, अब जो है ये अपर कास्ट और पूंजीपतियों का राज्य हो, सीधा कहने में क्या हर्ज होता है। देखिए आंकड़े लाइए, आप जाति जनगणना करा लीजिए, किसने मना किया? चूँकि SC ST OBC से रिलेटेड फैसला है तो ये तभी इस पर बहस सार्थक होगी जब सरकार और समाज और देश के सामने जातिगत जनगणना आंकड़े हो कि किस जाति के पास कितनी संपत्ति है, कितने कैबिनेट सेक्रेटरी किस जाति के हैं, कितने कैबिनेट मिनिस्टर किस जाति के हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज किस किस जाति के हैं। तो बगैर आंकड़े के लाइए आंकड़ा, उसे बहस कीजिए। ये बताइए 10% आरक्षण क्या है, फिर सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था जज का बेटा ही जज बनेगा, इसमें भी बहस होनी चाहिए थी कि 200 फैमिली के अंदर में सारे भारत का जुडिशरी नाच रहा है। तो देखिए ये राज्य सरकार और न्यायपालिका की ये लीला है, दोनों मिलके इनको ईमानदार इस बात में है कि इनको SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म करना है, इसको संविधान का स्पिरिट जो है उसको खत्म करना है, इस मामले में ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट में जो बहस चल रही है और समाज, देखिए 21वीं सदी का भारत है ये, और आपको ध्यान रखना चाहिए कि 2 अप्रैल और 5 मार्च को गैर जिम्मेदाराना सुप्रीम कोर्ट से आई थी, जो बगैर आंकड़ों के आपने कह दिया कि SC ST मिसयूज होता है, जो जुडिशरी का भी मिसयूज होता है हमने देखा है, मैं प्रमाण दे सकता हूँ। अभी आप देख लीजिए हिंदू कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा हूँ प्रिंसिपल वहाँ गाइड लिख के प्रिंसिपल बनना, UGC कह रहा है कि नहीं स्कूल करिकुलम हम में ये नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एकेडमिक मैटर्स में हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। मैं 10 रिसर्च बुक पब्लिश करके मैं बाहर बैठा हूँ, नंबर काट दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसे मुहर लगा देती। आज मैं चुनौती दे रहा हूँ इस मंच के माध्यम से भारत का कोई इंटेलेक्चुअल सुप्रीम कोर्ट खाली हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल का बायोडाटा मांग ले और उनका एकेडमिक क्रेडेंशियल मांग ले, या रिजर्वेशन की बात, रिजर्वेशन हम फंक्शनिंग पे बात करें कि सुप्रीम कोर्ट कैसे कई बार गैर जिम्मेदाराना तरीके से कैसे इररिस्पॉन्सिबल जजमेंट देती है, क्योंकि वो सोशली अकाउंटेबल नहीं है, उनको जनता को जवाब नहीं देना है, जनता को जवाब देना है, पॉलिटिकल क्लास को जवाब देना है। तो हम तो प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे, हम होम मिनिस्टर से पूछेंगे, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर उनसे पूछेंगे कि आप बताइए कि रिजर्वेशन एक गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन। आपको बताना होगा कि भारत के जुडिशरी में चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कैबिनेट हो, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे प्रोफेसर हो, वहाँ का आंकड़ा हमें दीजिए और बताइए कि वहाँ पे कितने SC ST OBC के लोग आए हैं। तो ये लीला नहीं चलेगी जी। डॉक्टर वैदिक, वही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, इसी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 16(4) का इंटरप्रिटेशन पहले दिया था कि इट डील्स विद सब्सटेंटिव इक्वालिटी, इक्वालिटी को सब्सटेंटिव इक्वालिटी कैसे बनाए, समानता को सार्थक मूलभूत समानता कैसे बनाए, इसलिए स्टेट्स को ये राइट दिया गया था कि अगर आप देना चाहें, जाति नहीं का है, क्लासेस का है, बैकवर्ड सोशली बैकवर्ड क्लासेस को अगर आप रिप्रेजेंटेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं, है ना। तो उस हिसाब से जो ये नई जजमेंट आई है ये संविधान की इंटरप्रिटेशन को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे नहीं ले जाती है क्या? मुझे लगता है कि जो समानता के बारे में जी हमारे सांसदों ने ये प्रावधान किया, जिस समानता के बारे में 16वीं धारा के अनुच्छेद 1 में बात कही गई, ये सब फर्जी समानता है। कुछ लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को नौकरियां मिल जाने से हमारे देश के करोड़ों लोगों के साथ सदियों से जो अन्याय हम लोग कर रहे हैं वो कैसे दूर होगा? मैं तो दूर हो, आरक्षण से दूर होगा ना, आरक्षण से वो कुछ मुट्ठी भर लोगों का होता है जिसको क्रीमी लेयर कहा है, बढ़ा दीजिए ना। मैं ये चाह रहा हूँ, देखिए मैं, मेरे दिल में इतना प्रेम है हमारे देश के वंचितों के लिए कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, और मैंने उनके लिए बचपन मानता हूँ, लेकिन मेरे दिल में भी प्रेम होगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपको आधारभूत सुधार करने हाँ, मैं उसके बारे में सुधार के लिए आवश्यक है कि आप उनको आरक्षण दें, जिसको मदद की आवश्यकता है उसको उंगली पकड़ के या उसके धक्का दे के थोड़ा ऊपर करें ताकि आगे के लिए समानता बने। जितना फायदा मिलता है आरक्षण से, फायदा मिलता है
ये बहन बैठी हैं, बिटिया आप बैठे हैं, कितने विद्वान लोग, इनको देख के गर्व अनुभव होता है, फ़ायदा मिलता है, लेकिन फ़ायदा मुट्ठी भर मिलता है और नुकसान पूरा दुनिया भर का हो जाता है। इसलिए क्या खत्म ही कर दे? नहीं, मेरा बिल्कुल बिल्कुल मेरी राय, मेरी राय ये है, देखिए मैं गलत हो सकता हूँ बिल्कुल, आप मेरे तर्क को ध्वस्त कर दीजिए, लेकिन मेरी ये राय है और तहे दिल से प्यार करता हूँ इन लोगों को, और मैं ये राय रखता हूँ कि ये जातिवाद को आगे बढ़ाने वाला है, लोगों में जातिवाद फैलाता है, लोगों में घृणा फैलाता है, सोशली बैकवर्ड भेदभाव फैलाता है, वो इसकी बजाय मैं रास्ता मैं देखता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी और किसी भी सरकार के लिए, और अगर मैं सरकार बनाता होता, मैं राजनीति में होता तो मैं क्या करता, मैं ये करता कि देश के गरीब लोग बिना जात पूछे हुए, उनकी ग्रामीण गरीब पिछड़े अल्पसंख्यक लोग, उनके इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देख रहे हैं आप, शिक्षा बिल्कुल मुफ्त कर देख रहे हैं, जो 2000 साल से जिनको दबाया गया, उनकी शिक्षा बिल्कुल मुफ्त कर देता, देखो जातिवाद खत्म कर देता। चलिए ऐसे करें, जातिवाद खत्म हो गया तो कब का खत्म हो गया होता है डॉक्टर वैदिक? लेकिन नहीं, अभी लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, आपसे भी सबसे बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-26072। चर्चा में फिर से आपका स्वागत है। प्रोफेसर रतनलाल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए ऐसा है, जाति तो जो वर्ण व्यवस्था बनाए थे ब्रह्मा जी ही नहीं खत्म कर सकते, सुप्रीम कोर्ट क्या खत्म करेगा? नहीं, जहाँ पे जातियाँ देख कर जजेज बनते हों, प्रोफेसर बनते हों, मैं तो 22 साल पढ़ा चुका यूनिवर्सिटी में, देख रहा हूँ कैसे, दिल्ली में रहता हूँ, जहाँ पे सेक्रेटरी बनते हों वहाँ जातियाँ कैसे खत्म होगी, पहले पता कर लीजिए। मैं चुनौती दे रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, एक जरा जितने प्रोफेसर बने हैं उसका बायोडाटा तो ले लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU का, सब वही कह रहे हैं ना, आपकी स्ट्रक्चर ऐसा है हमारा कि इसीलिए कह रहा हूं। दूसरे बात, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे आ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार इंटरफेयर, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, ये स्टेट पॉलिसी बनाए, तो आप बताइए कि जब भूपेश बघेल गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ में जब OBC के लिए रिजर्वेशन लाया उनके 27%, तो वहाँ के हाई कोर्ट ने क्यों इंटरफेयर किया उसमें? तो कई जगह आप इंटरफेयर कहते हैं, कई बार कहते हैं कि नहीं इंटरफेयर करेंगे। तो ये कोटेड न्यायपालिका जो है ये भी सोशल ऑडिटिंग से पड़े नहीं है, नंबर एक। नंबर दो कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंडेट स्पिरिट है दैट इज सुप्रीम, नॉट इवन सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं हम भारत के लोग कि सुप्रीम जजेज अगर बैठे बैठे चाहेंगे कि वहाँ स्टेट जो पॉलिसी बना रही है और जैसे उनको पूछना चाहिए, ऑडिटिंग तो करना चाहिए था ना स्टेट के फंक्शनिंग का। तो अभी 70 साल हो गए, आप 5 कैबिनेट सेक्रेटरी आप दलित SC ST नहीं बना पाए हो, और आप कह रहे हो कि आरक्षण खत्म होने से जाति खत्म, जाति की वजह से आरक्षण है, जातीय दमन की वजह से आरक्षण है। अवधेश जी ये बताइए, उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है यदि कोई सरकार आरक्षण देना चाहती है, राज्य सरकार, तो उसकी वैधता आंकड़ों से सिद्ध करनी पड़ेगी। लेकिन जैसा कि उत्तराखंड ने किया, यदि कोई राज्य सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती है तो उसे कोई वैधता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, कोई डेटा लाने की आवश्यकता नहीं है, ये कैसे हो सकता है? नहीं हुए इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको मौलिक अधिकार नहीं माना है। देखिए मैं ये पहले भी नहीं था मौलिक अधिकार, पहले भी नहीं था अवधेश जी। तो मानता हूं कि अभी इस देश में आरक्षण की जरूरत है, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण को लेके चाहे वो 2006 का फैसला हो, पदोन्नति की बात नहीं कर रहे, वो सेकेंडरी फैसला हो, वो गौण है। पहले ये तो सबका आरक्षण इसमें आ गया, इसमें शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब भी आ गया, OBC भी आ गया, सारे आरक्षण इसमें आ गए हैं। हाँ सब आ गया, पदोन्नति छोटी चीज है इसमें, सारे आरक्षण आ गए जी, जी। नहीं सबसे ज्यादा विवादास्पद, लेकिन आरक्षण से भी ज्यादा विवाद का मामला हमेशा पदोन्नति रहा है। मान रहा हूँ उसमें भी आएंगे, पर मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर कोई राज्यों को, आपने ये मेरा सवाल ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं आप, और अनफेयर डिस्क्रिप्शन है। आप कह रहे हैं अगर रिजर्वेशन देना है तो प्रूव करिए कि रिजर्वेशन की आवश्यकता है,
और अगर आप डिसाइड करते हैं कि नहीं देना है तो कोई प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ आपको विरोधाभास नहीं लगता है इसमें? नहीं नहीं, तो ये इसमें समस्या क्या है, अगर आंकड़ा आप जुटाते हैं लगता है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है किसी का, उसके आधार पर आंकड़ा देते आप अगर आरक्षण देते हैं उसमें क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू करते हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं है। लेकिन हाँ ये बात है कि अगर बाध्य कर देते तो राज्य को मजबूरी हो जाती है ऐसा करना। तो इसमें ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब आरक्षण को लेकर के धीरे धीरे इस मानसिकता में पहुंच रहा है कि आने वाले समय में शायद आरक्षण की आवश्यकता को इस देश से खत्म किया जाए, संवैधानिक और कानूनी तौर पर इसकी बाध्यता को समाप्त किया जाए। जी। वो आप 1992 के फैसले में इसकी नींव पड़ गई थी जब उसने कहा था कि प्रोन्नति के मामले में अगर आरक्षण देते हैं तो यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। ये समानता कहा गया, इसकी समानता कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहा है। ठीक है ठीक है, समानता तो ये होता है कि कुंजी लिख के दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनता है। समझ गया आपकी बात, समझ गया मैं। जरा पहले डॉक्टर क्वेश्चन कोर्ट को ही डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट व्याख्याकार है, अगर सुप्रीम कोर्ट व्याख्या कर रही है तो हम कैसे कहें कि वो संवैधानिक नहीं है? हम कह सकते हैं ना, गलत है, हम चैलेंज कर सकते हैं। और कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकते हैं ना, उसका प्रोविजन भी है ना, कोई भगवान जी थोड़ी बैठे हुए। संविधान हमने अपने आप को दिया है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी हैव गिवन अस आवरसेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमने बनाया वो, हम उसको बदल भी सकते हैं। उसकी इंटरप्रिटेशन आपको समझ में नहीं आ रही है, सुप्रीम कोर्ट को हम चैलेंज कर सकते हैं, पर ये अलग बात है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर कौशल, गार्डियन सुप्रीम कोर्ट है? अरे है ना, पर अच्छा गार्डियन नहीं है ना, जब नहीं केंद्र पे सरकार बैठी हुई है, एक दिन का विदेशन अधिवेशन लाए और इसको बदल दे। मैं आपसे ये कुछ और पूछना चाहता था, ये पूछ रहा था कि आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश, जिसके बड़े बड़े राजनीतिक दल तो वैसे ही विरोध कर रहे हैं, एनडीए के उनके साथी दल भी विरोध कर रहे हैं, ये दोबारा से के पूरे देश में आग लगा सकता है, जैसे कि एससी एसटी एक्ट में इन्होंने पहले किया था, रोस्टर आग लगा दी थी, रोस्टर पे कर दिया था? तो इससे न शेड्यूल कास्ट लोग का वर्ग खुश है, न शेड्यूल ट्राइब वर्ग खुश हो सकता है, न इससे ओबीसी वर्ग के लोग खुश हो सकते हैं। तो इससे तो इन्होंने एक आंदोलन की नींव रख दी है, जो पूरा देशव्यापी आंदोलन हो सकता है। जी देखिए, मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, और ये जो निर्णय हैं एक तरह से, तो सरकार पहलकदमी ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट कोई भगवान नहीं है जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता हो। केंद्र की हमारी सरकार अगर सहमत है, अवधेश जी की बात से भी लग रहा था कि वो व्यक्तिगत रूप से भी इसके समर्थन में है कि आरक्षण जारी किया रहना पहले की तरह जारी होना चाहिए, एक दिन का अधिवेशन लेके आए और वो उसको चैलेंज कर दे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने केस आरक्षण के मुद्दे पे किया ही, रोस्टर के मुद्दे पे किया ही था, एट्रोसिटी एक्ट के मुद्दे पे भी किया था, अभी भी कर दे। लेकिन देखना ये है कि जिस तरीके से रोजगार की कमी, नौकरियां हैं नहीं आपके पास, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बन नहीं रहे, वही की वही जो आपका स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा वहीं पर खड़ा हुआ है। लेकिन बार बार आप आरक्षण पर चेक एंड एक तरह से निकाल के देखते हैं कि ये वर्ग कितना तैयार हुआ है। आप ये देखिए कि आप फिर दोबारा फिर एक तरह से ये चाहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी सड़कों पर उतरे 2 अप्रैल की तरह, और सड़कों पर उतरने के बाद फिर सरकार क्रेडिट अपने हाथ में ही रखना चाहती है। केंद्र की सरकार फिर कहेगी कि हमने देखिए सुप्रीम कोर्ट के उसको फैसले को बदल दिया। एक क्लैरिटी में कर दूं, समय बहुत कम है, लोग समझते हैं कि यादव जाटव नहीं, ब्राह्मण कई स्टेट में एसटी में है, ठाकुर ओबीसी में है, ब्राह्मण ओबीसी में है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ ही जातियां हैं उसमें, ब्राह्मण ठाकुर और बनिया अपर कास्ट भी। कुछ और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यदि समाज के किसी वर्ग को आरक्षण देना या न देना केवल राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ, एक मिनट, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि राज्य सरकार जो है अब स्वतंत्र है, जो मर्जी करे, मनमानी करे। अगर एक किसी पार्टी की सरकार आ गई जो आरक्षण के खिलाफ है, वो कहेंगे हम तो नहीं देते, और कोई और आ गई जिसमें ओबीसी भी हो, जिसमें दलित भी हो, वो आरक्षण देगी। तो ऐसा क्या हो सकता है कि एक राज्य में आरक्षण हो, दूसरे में ना हो, तीसरे में ना हो, चौथे में ना हो, और आर्बिट्री तरीके से हो? ऐसा है सर, ये लोकशाही है, और भारत का संविधान जब बना था डॉक्टर अम्बेडकर ने, अल्लाह अकबर और जय श्री राम से संविधान नहीं शुरू किया था, हम भारत के लोग, और लोहिया कहा करते थे, वैदिक साहब तो साथ उनके रहे देखे हैं, कि जब सड़कें सुनसान होगी तो संसद आवारा हो जाएगा। 2 अप्रैल और 5 मार्च इस सरकार को याद रखना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं भारत बंद किया था,
समाज सड़क पे आया था और एवरी गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन इज आंसरेबल टू द पब्लिक एट लार्ज. एब्सोल्युटली. और नहीं आप आंसरेबल हैं तो आपके आपका हिसाब किताब भी लोग करेगा. ठीक है, 30 सेकंड है मेरे पास. डॉक्टर वैदिक, आप ये बताइए, कई राजनीतिक दल जो है इसका विरोध कर रहे हैं, बाकी समाज के वर्ग भी विरोध करेंगे, तो यदि वो उसका विरोध करते हैं तो क्या उन्हें इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करना चाहिए? दो जज की बेंच ने बोला है ना, ये इतना सीरियस मामला है, इसको तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हो सकता है. और मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खुलकर समर्थन करे. किसी में दम नहीं है. जब यानी आप चाहते हैं कि वो करें पर आप करें दम नहीं है उन्हें? दम नहीं है. अच्छा, क्योंकि वोट और नोट दो ही झांझ हैं जिनको पीटते रहते हैं तो वो दोनों खिसक जाएंगे. ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में लेने के लिए. देखते हैं आगे ये चैलेंज होता है. मुझे लगता है ये बिल्कुल चैलेंज होगा और हो सकता है आंदोलन भी होगा. प्रोफेसर रतन लाल कह रहे हैं आंदोलन होगा और उस आंदोलन के सामने ये सरकार क्या करेगी. खैर, सरकार को आदत पड़ गई है एक के बाद एक आंदोलनों की, और जैसा पिछले आंदोलनों के साथ किया वैसा शायद इस आंदोलन के साथ भी होगा. लेकिन आज बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार.